Hello friends, myself Dr. Ritika Dhuan, dietitian and Ayurveda. आज मैं टॉपिक लेकर आई हूँ आपके पास PCOD और PCOS का. आई थिंक सो ये प्रॉब्लम सभी को आजकल लेडीज में हो रही है 90%. जो ये सितंबर का मंथ है इज अ वेरी अवेयरनेस मंथ ऑफ PCOD और PCOS के लिए. तो मैं आज आपको इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगी, फिर उसके बाद योगा आसन्स भी आपको सारे बताऊंगी कि कैसे हम इसको क्योर करेंगे. ठीक है फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं. PCOD एंड PCOS का मीनिंग क्या है? PCOD एंड PCOS मीन्स होता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज सिंड्रोम. ये प्रॉब्लम्स लेडीज़ों में पाई जाती है, 90% लेडीज़ों में ये प्रॉब्लम हो रही है. आज हम इसको क्यों होती है, कैसे क्योर करते हैं, इसकी डाइट, इसके सिम्टम्स और किस डेफिशिएंसी की वजह से ये होती है वो बताऊँगी. फर्स्ट ऑफ ऑल सिम्टम्स क्या है इसके. सिम्टम्स इट्स डैट हेयर फॉल होना, वेट लॉस ना होना, कंसीव ना होना, प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम, पीरियड्स प्रॉब्लम, पिंपल्स, ये सारी प्रॉब्लम्स इसके अंदर क्रिएट होती हैं. एंड सेकेंड ऑफ ऑल ये करेक्ट कैसे होती है, बाय डाइट से, बाय योगा से. तो आज मैं आपको इसकी थोड़ी बहुत डाइट भी बताऊंगी और आपको 5 योगा आसन्स बताऊंगी इसके कि इसको कैसे क्योर करेंगे हम. ठीक है, और ये किस डेफिशिएंसी से होती है वो भी बता देती हूँ. कई बार ये जेनेटिक प्रॉब्लम हो जाती है लेडीज़ों में, कई बार हमारे हार्मोन्स इनबैलेंस हो जाते हैं, हमारा डाइट का करेक्ट ना होना, वर्कआउट ना होना, एक्टिविटी बिल्कुल लो होना, उसकी और वेट एकदम गेन होने लगता है, वेट लॉस नहीं होता इसमें. तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके अंदर डाइट भी और आपके 5 योगा आसन्स भी. तो इसके अंदर मैं आपको 5 योगा आसन्स बताऊंगी और इसकी डाइट भी बताऊंगी कि हम इसको कैसे करेक्ट करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट में आपको जो डू है, क्या करना है और क्या नहीं करना, ये दोनों मैं आपको बताऊंगी. डू में आपको जैसे अर्ली मॉर्निंग आपको डिटॉक्स वाटर पीना है, जैसे कोई सरमन वाटर, ACV और चिया एप्पल सिडर विनेगर, इसका वाटर पीना है हमें सुबह उठते ही एम्प्टी स्टमक, सबसे पहले हमने ये करना है. फिर ब्रेकफास्ट में जैसे हम ओट्स ले लेने हैं या फिर हमने पोहा लेना है, लेकिन वाइट पोहा से बेस्ट है कि आप ब्राउन पोहा की तरफ जाएं. इसके अंदर वाइट चीज़ें जैसे सूजी, मैदा, चावल, वाइट राइस और शुगर और सॉल्ट और स्वीट चीज़ें जितनी भी होती हैं वाइट करनी होती है हमें. और जो डोंट है मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं लेते, एनिमल प्रोडक्ट इसमें बंद होते हैं, जैसे चीज़, बटर, मिल्क, कर्ड, आपका घी, स्वीट्स, ये सब हमें इसको कटेड करना होता है बॉडी में से, डाइट में से. तो आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट हो जाएगी. अब मैं स्टार्ट करती हूँ 5 योगा आसन्स जिसके लिए मैं यहाँ आज आपको सिखाने आई हूँ. डाइट भी करनी है और योगा भी करनी है, तभी हम इस PCOD को करेक्ट कर सकते हैं और क्योर कर सकते हैं. तो हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट पहला आसन है बटरफ्लाई आसन. ठीक है, इसके लिए क्या करना है, हमें दोनों पैरों को स्ट्रेट कर लेना है अपने. स्ट्रेट करने के बाद एक पैर को अपने थाइस से लगाना है और दूसरा पैर भी करके थाइस से लगाना है. दोनों उंगलियों को टच करके अपने टोस के नीचे रखनी है और अपना ये बटरफ्लाई आसन 3 सेकेंड के लिए करना है. इसमें एंगल आपका 90% रहेगा, आपकी कमर एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, एकदम स्ट्रेट कमर, झुकनी नहीं चाहिए ऐसे, एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए और एंगल भी बिल्कुल स्ट्रेट रहना चाहिए आपको. इसको 3 सेकेंड तक करना है हमें और फिर इसको छोड़ते हुए फिर से हमें ये उंगलियां बाहर निकालनी है और फिर वही पैर सीधे करके इसको छोड़ देना. ये हमारा फर्स्ट आसन रहा. हमारा सेकेंड आसन है भुजंगासन. भुजंगासन करने के लिए क्या करना है, पहले लेआउट, पहले हमें लेट जाना है, चेस्ट के बल हमें लेट जाना है, स्ट्रेट एकदम लेटना है, अपने दोनों हाथों को शोल्डर पे रखना है, यहां इस तरह से शोल्डर पे रखकर सांस लेते हुए इनहेल करते हुए 5 सेकंड के लिए यहां पे रुकना है
और एक्सहेल करते हुए नीचे आना है और अपना हेड नीचे रखना है इस तरह से। फिर से एक बारी, फिर एक्सहेल करते हुए नीचे आना है। साइड से उठते हुए वापस आना है एकदम इस तरह से और अपने उसी एंगल पे हमें वापस आ जाना है। हाँ जी, इस तरह से ये था भुजंगासन। हमारी जो भी इसके दो फायदे हैं, पहले तो ओवरीज, जो हमारी ओवरीज का सिस्टम है वो ठीक रहता है इस भुजंगासन करने से। दूसरा, हमारी टम्मी भी अंदर जाती है तो हमें इस पोर्शन, तो पेनक्रियास एंड हमारी ओवरीज जो है इसको करेक्ट करनी है हमें मेन, क्योंकि इस पीसीओडी में हमारे सिस्ट हो जाती हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। हमारा थर्ड आसन है सुप्त पवन मुक्त आसन। सुप्त पवन मुक्त आसन के लिए क्या करना है, हमें स्ट्रेट लेट जाना है, स्ट्रेट लेटने के बाद अपना एक लेग उठाकर अपने चिन से लगाना है, सांस को रोकते हुए, सांस लेते हुए यहां पर आना है और 5 सेकंड के लिए सांस यही रोक देना है। फिर धीरे धीरे नीचे आना है और फिर इसी तरह से दूसरे पांव से भी करना, लेग से करना है। सांस लेते हुए यहां आना है, यहां सांस रोकनी है हमें, स्ट्रेच करते हुए अपने टोस को आगे बढ़ाते हुए स्ट्रेच करना है और यहां 5 सेकंड के लिए हमें अपनी सांस रोकनी है और फिर धीरे धीरे नीचे आना है। जिनको सर्वाइकल होगा वो ये गर्दन ऊपर नहीं उठाएंगे, वो सिर्फ इतना करेंगे इस तरह से और फिर दोनों लेग्स को उठा के फोल्ड करना है और अपनी चिन से लगाना है और यहां 5 सेकंड के लिए रोकना है। फिर धीरे 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 आप फिर से वहीं आएंगे और अपने लेग्स को स्ट्रेट कर देंगे। देन उसके बाद जब भी आपको खड़ा होना है तो साइड करवट लेकर खड़ा होना है, स्ट्रेट नहीं खड़ा होना एकदम से, ठीक है। ये मेरे 3 आसन हो गए हैं। अब चौथा आसन मार्ज आसन। मार्ज आसन के लिए हमें क्या करना है, पहले अपनी दोनों लेग्स को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह से घोड़े वाली पोजीशन बनानी है। घोड़े वाली पोजीशन बनाकर अपना हिप साइड में रखना है ऐसे और फिर सांस छोड़ते हुए नीचे आना, अपने स्टमक में से सारी हवा बाहर करनी है, एक्सहेल करनी है और यहाँ पे रोकना है गर्दन को नीचे लेके जाकर। इसे कहते हैं मार्ज आसन। 2 सेकंड तक रोकना है और फिर से उसी पोजीशन में आना है, गर्दन सीधी करनी है, अपने दोनों लेग्स फोल्ड करते हुए फिर से उसी पोजीशन पर आना है। जो भी एक्सरसाइज करते हैं उसको करने में जोर जबरदस्ती नहीं करनी है, जितना हो सके उतना ही करना है, जबरदस्ती कोई आसन नहीं करना है। धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है जिससे आपका स्टमक ये भी ठीक होगा और आपके ओवरीज जो यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट करती है पीसीओडी की वजह से उसमें भी करेक्शन मिलेगी आपको। अब हमारा चौथा आसन है उष्टांग आसन।
इसको कैसे करना है, ये थोड़ा टफ आसन है, इसको धीरे धीरे करेंगे हम। पहले हम स्ट्रेट खड़े हो जाएंगे, फिर धीरे से फोल्ड करते हुए अपनी लेग्स को इस तरह से पद्मासन में पहले बैठ जाएंगे। फिर हम एक हाथ को पीछे लेके जाएंगे, जितना आपसे हो सकता उतना, जबरदस्ती नहीं करनी, और झटके से गर्दन को नहीं पीछे नहीं लेके जाना, धीरे धीरे, और फिर गर्दन को पीछे लेके जाना। करती हुई हाथ को वापस लेकर आना है। इस आसन को करते समय आपने ध्यान रखना है, जब आप पीछे की तरफ जाएंगे तो सांस लेते हुए जाएंगे और यहां पर अपने सांस को रोक लेंगे, और फिर आते समय सांस छोड़ते हुए वापस आना है। तो ये हुए कुछ आसन जिससे आपकी पीसीओडी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी, अगर आप अपनी डाइट पर और अपने आसनों पर दोनों पे ध्यान रखेंगे तो आपको ये पीसीओडी वूमेन्स जो प्रॉब्लम हो रही हैं, डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, हार्मोन्स इनबैलेंस हो रहे हैं, इनके ऊपर आपको बहुत ही जल्दी रिलैक्सेशन मिलेगा और ये प्रॉब्लम आपकी विना 1 मंथ में क्योर हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि आपको ये प्रॉब्लम है और आपको इसकी वजह से वेट लॉस नहीं हो रहा या कोई भी ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप मुझसे क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं, मैं इनका आंसर्स आपको हैंड टू हैंड दूंगी कि वेट लॉस नहीं हो रहा या आपको कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है इसके अंदर, तो आपको इसका एक एक स्टेप बाय स्टेप करके सब चीज़ों के मैं आंसर दूंगी। एक आसन और सिखाऊंगी इसके अंदर, उसको कहते हैं धनुरासन। धनुरासन से हमारे ये सारा स्ट्रेस होगा और हमारा बैक भी स्ट्रेस होगा। क्या करना है, ले डाउन, पहले लेट जाएंगे, फिर एक सांस लेते हुए एक पैर को फिर दूसरे स्ट्रेस करेंगे इस तरह से। इससे ये हमारी थाइस का फैट भी खत्म होगा और हमारे पेनक्रियास ओवरीज में काफी हमें हेल्प मिलेगी। 5 सेकंड के लिए रोकना है यहाँ पर, फिर धीरे से छोड़ना है, झटके से नहीं, फिर मिलाते हुए पैरों को फिर से करवट लेकर उठना है। तो ये मैंने कुछ आसन आपको पीसीओडी से रिलेटेड सिखा दिए, अब मैं आपकी प्रॉब्लम्स को एक एक करके सुनूंगी और उनके आंसर्स दूंगी, आप मुझसे अपने क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं।